हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल्स इन M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। सो M20 क्या होता है? M स्टैंड फॉर मिक्स एंड 20 इज़ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो होता है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का आफ्टर 28 डेज। तो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का रेशियो क्या होता है? 1:1.5:3, जिसमें 1 सीमेंट होता है, 1.5 सेंड एंड 3 एग्रीगेट। नाउ सपोज दैट वी हैव टू फाइंड द मटेरियल कैलकुलेशन फॉर 1 क्यूबिक मीटर। तो जैसा कि हमें पता है कि ड्राई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वेट वॉल्यूम इंटू 1.54 to 1.57 टाइम्स वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। एंड सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा? 1 + 1.5 + 3 इज़ इक्वल टू 5.5। नाउ हम फाइंड करते हैं ड्राई वॉल्यूम कितना है इन 1 क्यूबिक मीटर में। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा? वेट वॉल्यूम इंटू 1.57, जैसा कि हमने पहले ही फॉर्मूला में देखा था कि ये बीच में आएगा 1.54 to 1.57 के। सो वेट वॉल्यूम हमारा 1 है, हम 1 क्यूबिक मीटर के लिए देख रहे हैं, तो हमारा 1 है। और 1.5 × 1.57 इज़ इक्वल टू 1.57 क्यूबिक मीटर। ये आ गया हमारा ड्राई वॉल्यूम फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो हमारा रेशियो क्या था वॉल्यूम ऑफ सीमेंट में? 1:1.5:3, जिसमें से 1 हमारा सीमेंट था। तो सीमेंट वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 जो रेशियो में दिया है अपॉन में 5.5 जो कि सम ऑफ रेशियो है इंटू 1.57 जो कि ड्राई वॉल्यूम है। ये आ जाएगा 0.285 m³। अब हम इसको kg में कन्वर्ट करते हैं सीमेंट को। तो 0.285 × 1440 इज़ इक्वल टू 411 kg। 1440 क्या है? ये हमारा डेंसिटी ऑफ सीमेंट है इन kg पर मीटर क्यूब। अब 411 kg को हम अगर सीमेंट बैग में चेंज करें तो कैसे होगा? वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट कितना आता है? 50। सो 411 अपॉन में 50 इज इक्वल टू 8 नंबर ऑफ बैग्स। नाउ वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सेंड। तो रेशियो में 1:1.5:3, इसमें 1.5 हमारा सेंड का था। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 5.5 जो कि हमारा सम ऑफ रेशियो है इनटू में 1.57 जो कि हमारा ड्राई वॉल्यूम है। यह आ जाएगा 0.471 m³। नाउ वी फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। अब दोबारा से हमारा रेशियो में कितना है एग्रीगेट का? 1:1.5:3, मतलब 3 हमारा एग्रीगेट का होता है। तो 3 डिवाइडेड बाय 5.5 जो कि हमारा सम ऑफ रेशियो है इनटू 1.57 जो कि हमारा ड्राई वॉल्यूम है M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए। तो ये कितना आ जाएगा? 0.856 m³। बहुत इजी है ये निकालना। सिंपली जो रेशियो में सीमेंट सेंड और एग्रीगेट का रेशियो दे रखा है, तो आप जिस चीज़ का भी निकालेंगे फर्स्ट वो लिखेंगे। लाइक सीमेंट का निकाला है तो 1, जिस भी ग्रेड का आप जो भी रेशियो होगा आप वो लिखेंगे, अपॉन में आप सम ऑफ रेशियो करेंगे इनटू में ड्राई वॉल्यूम। इसी तरह से सबका निकल जाएगा, सीमेंट सेंड एग्रीगेट सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।